सीएम और शहर विधायक से पुस्तकों की दुकानें खुलवाने की करी मांग। सुबह 7 से 5 बजे तक खुलेंगी पुस्तक दुकानें। बरेली अभिभावक सेवा समिति और पुस्तक विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने बरेली जिलाधिकारी नीतीश कुमार और शहर विधायक अरुण कुमार से पुस्तकों की दुकानें खुलवाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी बरेली ने सुबह 7 से 5 बजे तक नियम अनुसार बिक्री का आदेश दिया। व्यापारियों ने आदेशानुसार पुस्तकों की दुकानें खोलने से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जाएगा और विधिवत सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए, टेंट लगवाकर गर्मी को देखते हुए पंखे और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम करने शुरू कर दिए। इस दौरान गुरु मेहरोत्रा, विशाल मेहरोत्रा, सौरभ मेहरोत्रा, अमित भारद्वाज, सुधीर गोयल, जीतू देवनानी, रचित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। जब मैंने मास्क उतारा तो बोले बच्चा आइए 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 हमारी बात कराओ। आओ आओ आओ। अरे भैया बैठो का है ना, भाई बैठो इधर है ना। कौन को बोला? क्या नंबर है? सौरभ मेहरोत्रा, मॉडर्न बुक स्टॉल। आज रिक्वेस्ट करी थी प्रशासन से कि हम लोगों को जो है सुविधा मिले कि मार्केट खुले किताबों का, और बच्चों को जो होम डिलीवरी चल रही है उसमें जो परेशानी आ रही है मार्केट से जो है उपलब्ध कराई जाए किताबें। तो उन्होंने जो है प्रशासन ने हमारी मांगें मानी और हमें कहा कि आप लोग जो है कल से मार्केट खोलें और नियम विरुद्ध खोलें। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कल से बच्चों को अपनी दुकानों से किताबें अवेलेबल करवाएंगे। विशाल मेहरोत्रा, अभिभावक रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति से हूँ। पुस्तक विक्रेताओं से हम लोगों से काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और जो शासन ने परमिशन दी थी ऑनलाइन किताबें बेचने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ों का सामना, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। हमने डीएम साहब से फिर से गुजारिश करी, डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने समस्याओं को समझा और आज से उन्होंने किताबें की दुकानें खोलने के लिए परमिशन दी है। जो आज पुस्तक विक्रेता से हमने बातचीत करी, अभिभावकों की पूरी सुविधा के लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन होगा, उसके लिए यहाँ पे सर्किल बनाए जा रहे हैं, अभिभावकों को तेज़ धूप से बचाने के लिए यहाँ पे शमियाने लगाए जा रहे हैं, उनको बैठने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करी जा रही है। जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अभिभावकों की जा सकती है वो पुस्तक विक्रेता अपने तरफ से स्वयं कर रहे हैं। हम फिर पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय का और पुस्तक विक्रेताओं का, जो इस मुश्किल घड़ी में भी अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए उनकी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद। आदेश कर दिया डीआई साहब ने, आदेश कर दिया कल से दुकानें खुलेंगी जिसका समय 7 से 5 होगा। और गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से यही है अभिभावकों से भी, कृपया एक घर से एक ही अभिभावक आए, यहाँ भीड़ ना लगाए, जितनी जल्दी वो लेंगे उतनी जल्दी दूसरे अभिभावक का नंबर आएगा। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।